सरयू तट पर लाया गया, यहाँ पे स्नान कराया गया। तब से भी पहले की एक मूर्ति की फोटो है, लेकिन फोटो रिलीज नहीं की गई थी। रामलला को लेकर आए, लाकर यहाँ पे सरयू तट पे जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, ये राम घाट है। आप मेरे सामने देख सकते हो, ये राम घाट की तस्वीर है। ये राम घाट के अंदर जो मंदिर स्थापित है वहां पे, इसी राम घाट पे रामलला को जो स्नान करवाया गया थोड़े दिन पहले, इसके बाद यहाँ से मूर्ति को लेकर रामलला के मंदिर ले गए हैं, राम मंदिर में लेके गए, वहां पे स्थापित करवाया गया। ये अलग अलग घाटों की तस्वीर है। सामने लक्ष्मण घाट है, उसके साथ राम घाट है, राम घाट के साथ ही भरत घाट, लक्ष्मण घाट, शत्रुघ्न घाट भी यहाँ पे मौजूद है। तो सभी घाट वही है जो जहाँ भगवान राम आते रहे हैं। तो इसी घाट पर भगवान राम की मूर्ति को लाया गया था, यहाँ पे स्नान कराया गया, और उससे ठीक पहले, उससे एक दो दिन पहले की यह तस्वीर कही जा सकती है। अब गर्भगृह में रामलला पहुंच चुके हैं, वहां पे स्थापित हो चुके हैं, और भक्तों के लिए जो ये दर्शन शुरू हो जाएंगे। जी सौरभ, अगर मैं खुद की बात करूं तो ये अनुभूति मेरे को महसूस की जा रही हो, मैं निःशब्द हूँ, इन शब्दों को बयान नहीं किया जा सकता। हम अपने दर्शकों को भी ये सरयू का तट दिखाते हैं, यहाँ से सरयू नदी का प्रवेश राम घाट पे होता है, जो आप देख सकते हो, यहाँ पे सरयू नदी से प्रवेश राम घाट पे होता है। भक्त यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, सरयू का अपने आप में विशेष महत्व है। सामने पुलिस वाले देख सकते हैं, वो भी खुद इस सरयू पे स्नान करके, जो कह सकते हो सरयू के पानी से अपने आप को धो रहे, अपने पाप धो रहे हैं, अच्छा कह सकते हो कि अपने आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी सरयू तट की दूसरी तरफ की तस्वीर है, ये दूसरी तरफ की तस्वीर है। इसी जगह पे रोज शाम को लाइट शो होता है, इसी जगह पे आज शाम को रामलीला दिखाई जानी है लोगों को, रामायण के जो पात्र हैं, जो राम बोल सकते हैं कि रामायण के बारे में जानकारी दी जाती है। और इसी सरयू तट पे ये तट है, वो तट बताया जाता है। सौरभ, बहुत खास अहमियत है इस तट की, यहाँ पे भगवान राम खुद स्नान करने आते रहे हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो इसी सरयू तट पे भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया था, इस सरयू को पवित्र किया था कि गंगा जितनी पवित्र होगी। बताया जाता है कि जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ वनवास से लौटे हैं, तब लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं सभी जितने धाम हैं उन सभी धामों के दर्शन करके आऊं, चार धामों को जाऊं। लेकिन भगवान राम ने बोल दिया था लक्ष्मण जी को कि जो इस सरयू में स्नान कर लेगा सूर्य उदय होने से पहले, आप देख सकते हो बुजुर्ग यहाँ पे भी स्नान करते हुए नजर आएंगे, तो इस सरयू में जो सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेगा वो भक्त पूरे के पूरे, वो उसके पाप धुल जाएंगे, वो चारों धामों की यात्रा का उसे फल मिलेगा। तो यह सरयू तट की इतनी महत्ता है। और उसके बाद वैकुंठ धाम की आपने बात की थी, तो ये वही तट है जहां से भगवान राम वैकुंठ चले गए थे, उनके साथ समस्त अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे वैकुंठ लोग पहुंच गए थे। तो बताया तो ये भी जाता है इस अयोध्या नगरी के बारे में कि जब भगवान राम वैकुंठ गए तो पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल दी। भगवान राम जब गए हैं तो उनके अयोध्यावासी तो गए गए, अयोध्या के कीट पतंगे तक उनके साथ चले गए थे, लेकिन भगवान राम के पुत्र लव और कुश के द्वारा इस अयोध्या नगरी को बसाया गया। भगवान राम ने हनुमान जी को यहाँ का राजा ऐलान कर दिया, राजा स्थापित कर दिया गया। इसी वजह से यहाँ पे हनुमानगढ़ी बहुत ज्यादा जो फेमस जगह है राम मंदिर के बाद, तो वो हनुमानगढ़ी बताई जाती है। परिवार है ये अयोध्या धाम के दर्शन कर रहे हैं, सरयू तट पे इस समय मौजूद हैं हमारे साथ। तो आप कहाँ से आए हैं भाई? हम यहीं के अयोध्या के रहने वाले हैं, जहाँ से राम को शुरू हो रहा है वहीं पर हमारा निवास है जी। तो अयोध्या कितनी बदली है, हर एक के मन में एक सवाल जरूर है कि अयोध्या पहले कैसी थी अब कैसी। अब आपको हम क्या बताएं कि कभी हम लोगों ने जीवन में सोचा नहीं था कि अपनी राम नगरी का ऐसा स्वरूप हम देखेंगे, मतलब सपने में भी नहीं सोचा था। जो इस सरकार ने किया है, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी अयोध्या नगरी हमको देखने को मिलेगी। इतना दिव्य रूप है अयोध्या का कि मन प्रसन्न हो गया, अपने आप को हम रोक ही नहीं पाए आ जाने से जी। तो अयोध्या नगरी की क्या तैयारी है 22 जनवरी को लेके? बहुत ही भव्य तैयारी है, और जितने भी लोग यहाँ पे बाहर से आ रहे हैं, हम अयोध्या वासियों का पूरा प्रयास है उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए, और सरकार का भी प्रयास है, हम लोग की तरफ से प्रयास, जनता का भी प्रयास है। देश दीपमाला करने जा रहा है, अयोध्या दिवाली मनाएगी, कैसी तैयारी है इससे? सर यहाँ पर हम लोग घर घर जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, जैसे दीपावली में हम लोग मनाते हैं उससे बढ़ चढ़ कर मनाने का प्रयास है जी। तो रामलला के दर्शन जो नई मूर्ति रख दिए हुए हैं आपको जी, जो नई मूर्ति की फोटो सामने आ चुकी है रामलला की, वो कैसे देखिए? बहुत ही दिव्य मूर्ति, मतलब अगर अभी तक हम लोग ने मूर्ति देखी, आज जो उसका प्रदर्शन हुआ है तो उसको देख के यही लग रहा है उससे चेहरा हटाने का मन ही नहीं करता, जैसे साक्षात ईश्वर आ रहे हैं जी। यहाँ पर जनमानस में ऐसी चर्चा है कि जैसे लग रहा है कि त्रेता युग वापस आ गया है।
अयोध्या त्रेता नगरी त्रेता युग में दिखाई दे रही है आपको। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हो सौरभ ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, सरयू तट पे अयोध्या वासी है, ये बोल रहे हैं कि त्रेता की वापसी लग रही है, त्रेता युग की वापसी नजर आ रही है। जी सौरभ, सरयू का पानी है जो बहुत ठंडा है, यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है, और इस सरयू के पानी को हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये है वो सरयू का पानी जो भगवान राम के साथ है, और पानी इतना ठंडा है कि शायद जो हाथ थे मेरे अभी ठंडे हो गए हैं मैं पानी में डालने के कारण, लेकिन लोगों में जोश और उत्साह की कमी नहीं है, भक्ति है लोगों के सिर पे चढ़ के बोल रही है, गोता लगाने वाले गोता लगा रहे हैं। हमारे साथ एक अंकल मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। वो गोता जो पहले तस्वीरें दिखाई थी नहाकर बाहर निकल रहे थे वो, तो आपने अभी सरयू में स्नान किया है, यहाँ पे तो पानी तो इतना ठंडा है और ठंड ऊपर से भी इतनी ज्यादा पड़ रही है, आने का मौका मिले नहाना जरूर सही है। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से, बीकानेर से। बीकानेर से पहुंचे अयोध्या धाम, और सरयू के पानी इसी पानी में राम जी वैकुंठ गए, यही राम घाट है जहाँ पे स्नान करने राम खुद आते रहे हैं, आपने भी स्नान किया, कैसी अनुभूति? मेरे तो मैं 50 साल से अब मौका मिला है जी, तो आगे तो ऐसे तो ना दो जी, तो ठंड की कोई परवाह नहीं, ठंड पड़ती है पड़े ठंडा इसमें दिल में इसमें मिल जाना है क्या है जी। एक दिन तो और क्या जी, तो रामलला के दर्शन हुए? हाँ दर्शन डेली करते हैं। कैसी अनुभूति हुई है रामलला के दर्शन? अच्छी तरह हो जाता है, अच्छे हुए हाँ। तो बिल्कुल सौरभ देख सकते हो कि जब भक्ति भाव है तब पानी ठंडा क्या और गर्म क्या। ये सरयू तट की तस्वीरें हैं, जो पहले तस्वीरें आपको हमने दर्शकों को दिखाई हैं, यही वो थे जो पानी के अंदर नहा रहे थे और अभी पानी से बाहर निकले हैं, अभी इनसे बातचीत हमने की है। तो ये सरयू तट पे आपको दिखा देता हूँ, ये राम की पौड़ी का इलाका है, राम की पौड़ी इलाके में ये सरयू तट पे जहाँ पे राम घाट है, तो पानी सरयू नदी का प्रवाह दूसरी तरफ बहता है, नदी दूसरी तरफ है, लेकिन रामघाट के लिए यहाँ पे एक छोटी नदी निकाल दी गई है और यहाँ पे पानी कंट्रोल करके आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जो बताया जा सके या कह सकते हैं भक्तों की सुविधा हो सके और रामघाट तक लोग आराम से अपने स्नान कर सके। पानी के अंदर से तस्वीरें